हेलो, आपका नाम क्या है? रेचल मोचेरिया। और आप किधर रहते हैं? अंडर ईस्ट। ओके, आपके बच्चे की उम्र कितनी है? 3 इयर्स। ओके, तो आप उसके लिए बेसिकली क्या टाइप के इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे थे? जिसमें मेरे बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो, उसमें ज़्यादा एक्टिविटीज हो, फंक्शंस हो, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, हम वैसे स्कूल ढूंढ रहे थे। और वो हमें यहाँ पे मिला। हम 3-4 स्कूल गए थे, जैसे कि किड्जी, यूरो किड्स एंड अदर, और बट हमें एक जन ने, हमारे नेबर ने बोला कि ये ज़्यादा अच्छी है, नज़दीकी है और ज़्यादा अच्छी है। Okay. इसलिए फिर हम यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आने के बाद हम सुनीता अग्रवाल यहाँ पे थे, तो हम उनसे मिले, सोनिया अग्रवाल मिले। फिर उन्होंने कहा हमारा ये एक्टिविटीज़ है, ये सब बच्चे लोग को सब कराते हैं, ये टाइम में ये फंक्शंस होगा। हमने बोला ठीक है। हमने फिर सोचा, हस्बैंड को हमारे ये अच्छा लगा, फिर हम लोग ने यहाँ पे एडमिशन लिया। ओके, तो अपने एक्सपीरियंस से दो अच्छी चीज़ें बताना चाहेंगे न्यू जैकिंग जिम के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आके मेरा बच्चा काफ़ी एक्टिव हुआ, काफ़ी। पहले वो कुछ बोलता नहीं था, उसको पूछेंगे तो सिर्फ हाँ हम करता था। यहाँ पे आने के बाद वो काफ़ी एक्टिव हुआ, उसको कोई भी कुछ भी पूछेगा, हाउ आर यू दिस टाइम, या आई एम फाइन, ये क्विज कर लो। और उसके क्वेश्चंस बढ़ गए, मम्मी इसको क्या बोलते हैं, मम्मी ये क्या होता है, ये कौन सा कलर है, विच कलर इज दिस, इसको क्या बोलते हैं, मम्मी इसका ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछ कर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। Okay. जैसे स्कूल में भी बोलते रहेंगे मम्मी को पूछना हो क्या, यहाँ पे कुछ तो ज़्यादा बोलने लगता है, एक्टिव हो गया, काफ़ी एक्टिव हो गया वो यहाँ पे आके। ओके, और आपको लगता है कि न्यू जैक एंड जिल के साथ कुछ और बेटर हो सकता है? इतना तो बेटर है, और कुछ हुआ तो ज़्यादा बड़ी क्लास होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बिग क्लास होना चाहिए जिससे वो बच्चे लोग एकदम फ्रीली खेल सके और फ्रीली हो सके। ओके, तो आप 1 से 5 के बीच में न्यू जैक एंड जिल को कैसे रेट करेंगे, जहाँ 1 सबसे कम है और 5 सबसे ज़्यादा है? जी नहीं, 5 फुल ऑन देना चाहेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा बच्चा काफ़ी एक्टिव हुआ है, दूसरे लोग का पता नहीं, मेरा बच्चा काफ़ी एक्टिव हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।